हेलो स्टूडेंट, तो इसके पहले हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है। अब चैप्टर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 7 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। इसमें कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यहाँ से देखो, जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो हम उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट बताएंगे, क्या होगा वो 3 यूनिट। कैसे, ये भी समझ लो, एक्स यूनिट ये 2, 3 कहाँ आएगा, 1, 2 एंड 3 यहाँ कहीं आएगा। अब इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस इस वाली लाइन के बराबर आएगा। और ये वाली लाइन है कितनी, देखो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ से कितना होगा, ये 3 यूनिट होगा। तो डायरेक्टली अब आगे से क्या रखोगे, अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट बताओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, ए इज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा, कहाँ होगा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा इसमें, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट, ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, लेइंग बिलो द एक्स एक्सिस, लेइंग बिलो द एक्स एक्सिस। इधर देखो, अब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे एक है 4 यूनिट, तो 1, 2, 3, 4 4 यूनिट, और जस्ट बिलो द एक्स एक्सिस मतलब यहां कहीं होगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स पे तो चलना नहीं है 0, और वाई पे कितना चलना है 4 माइनस में, क्यों, क्योंकि बिलो दिया था नीचे, तो 0, -4 होगा ये, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, कह रहा व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इज इक्विडिस्टेंस, यहां से जो डिस्टेंस है इक्वल है, किसका डिस्टेंस, ए और बी दो पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है 7, 6 और बी पॉइंट क्या है -3, 4, ठीक है। तो ए पी और बी पी क्या है, बराबर है, ए पी इक्वल टू बी पी, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर भी होगा, तो रूट नहीं लिखने की जरूरत है, तो एक्स प्लस 3 ये बी पी है एक्चुअल में, बी होल स्क्वायर, और फिर वाई, वाई कोऑर्डिनेट मतलब 0, -4 का स्क्वायर इक्वल टू ऐसे बी पी, यहाँ से ए पी लिख लो, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर और 0, -6 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49, -14x और माइनस, ये देखो -6 का स्क्वायर 36, इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 6x और जो 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x और 14x इधर आकर के 20x, इधर क्या बचा 36 और 49, 36, 44 और 5, 45 और 5, ये 85 माइनस 25, तो ये कितना बचेगा 60, 20x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या मिला 3 मिला, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 3, 0, 3, 0 देखो पॉइंट कौन सा है, C वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्क्रीन पे आ गया है तुम्हारे, इसको पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, कर द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, रेशियो दिया हुआ है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है ना, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, काम करो ऐसे बना लो, ए पॉइंट 7, -6 और इधर ये बी पॉइंट 3, 4, रेशियो क्या दिया है 1:2, इधर 1 और इधर 2, ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखो इधर एम और ये एन, एम एक्स 2 तो 3, एन एक्स 1, 2 से बन जा 14, अपन में एम प्लस एन, तो ये हो गया 17/3, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई एम वाई 2 4, एन वाई 1 18, अपन में एम प्लस एन, तो ये -14/3, तो ये देखो साइन क्या क्या हमारे पास, प्लस और
माइनस कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, एक्स प्लस का और वाई माइनस का, तो ये प्लस माइनस हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आएगा, ये क्वेश्चन नंबर फोर हुआ। क्वेश्चन नंबर फाइव में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फाइव दिया इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस का क्या मतलब हुआ कि वाई जीरो है, एक्स एक्सिस के लिए क्या मतलब हुआ वाई इक्वल टू जीरो है, तो वाई जब जीरो है तो यानी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान में एम प्लस एन भी क्या होगा एक्स टू नहीं वाई टू और वाई वन, ठीक है ना, एक्स एक्सिस है तो वाई जीरो, तो एम वाई टू, तो ये पॉइंट ए और बी, एक को एम मान लो रेशियो, एक का एन, एम रेशियो एन ए बी, तो एम वाई टू यानी सिक्स एम प्लस एन वाई वन माइनस थ्री एन अपान में एम प्लस एन इक्वल टू क्या मिलेगा जीरो, तो सिक्स एम इक्वल टू क्या मिलेगा थ्री एन, तो एम अपान में एन इक्वल टू क्या मिलेगा थ्री अपान में सिक्स यानी वन रेशियो टू, वन रेशियो टू मीन्स ऑप्शन सी मिलेगा तुम्हें। ये था क्वेश्चन नंबर फाइव, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है वो देखो, इन व्हाट रेशियो, इस बार फिर क्या है वाई एक्सिस, इस बार वाई एक्सिस है तो क्या होगा एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो, एक्स जीरो का क्या मतलब एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान में एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, तो एम एक्स टू, फिर ऐसे पी और ये क्यू, पी क्यू ये बीच में पॉइंट आर मान लो, ये एम रेशियो एन, तो एम एक्स टू, तो एम एक्स टू मतलब एट एम प्लस एन एक्स वन, एक्स वन मतलब माइनस फोर एन हो गया अपान में एम प्लस एन इक्वल टू क्या जीरो, फिर एट एम माइनस फोर एन इक्वल टू जीरो, एट एम इक्वल टू फोर एन, एन इधर भेज दो, एट एम अपान में एन इक्वल टू फोर, एट को उधर ले चलो, एम अपान में एन यानी एम रेशियो एन, फोर अपान एट मीन्स वन रेशियो टू, यह भी क्या मिलेगा वन रेशियो टू। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया, इफ पी, एक पॉइंट दिया है माइनस वन कॉमा वन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये ए बी है, ए बी का मिड पॉइंट पता हमें, बी पता है इधर, ए पता है, इसका मिड पॉइंट पी पता है, तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू अपान में टू, वाई वन प्लस वाई टू अपान में टू, तो ए और बी दिया हुआ है, ए और ये बी, मिड पॉइंट क्या दिया माइनस वन कॉमा वन, तो वाई कोऑर्डिनेट इधर माइनस वन कॉमा वन, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं तो वाई वन है हमारे पास बी, वाई टू है बी प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या था वन, तो ये वन के इक्वल होगा, तो टू बी प्लस फोर अपान में टू इक्वल टू वन, तो यहाँ से क्या मिलेगा टू बी इक्वल टू टू माइनस फोर माइनस टू, तो बी इक्वल टू क्या मिला माइनस का वन, तो ये बी की वैल्यू आ गई माइनस का वन, ये ऑप्शन होगा तुम्हारे पास बी। ये था क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं। ये लाइन दिया है डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, रेशियो पूछ रहा है, तो ध्यान से समझना, ये जो लाइन होगा ये बाइसेक्टर के पास होगा, ये है हमारे पास ऐसे, ये लाइन गई है 2x प्लस वाई इक्वल टू फोर लिख सकते हैं, पूछ रहा है रेशियो, तो m रेशियो n मान लेते हैं, इधर a पॉइंट है 2 कॉमा माइनस टू और इधर 3 कॉमा सेवन, रेशियो हमने मान ही लिया है, तो यहाँ से x और y कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो x इक्वल टू पहले लिखता हूँ मैं एम एक्स टू, तो एम एक्स टू मतलब 3m, एन एक्स वन प्लस एन एक्स वन तो 2n अपान में m प्लस n, ये x मिला ऐसे y, एम वाई टू तो 7m, एन वाई वन 2n अपान में m प्लस n, ये फार्मूले में हो गया, x और y की वैल्यू इसमें रख दो, तो 2x, x का मतलब 3m प्लस 2n अपान में m प्लस n, 2x प्लस y, y का मतलब 7m माइनस 2n अपान में m प्लस n विल बी इक्वल टू क्या 4, तो ये m प्लस n इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4m प्लस 4n। अब इधर देखते हैं 2 3 जा 6m,
टू टू जा फोर एन प्लस सेवन एम माइनस टू एन, ठीक है। तो सिक्स एम और सेवन एम, थर्टीन एम, थर्टीन एम में से फोर गया तो नाइन एम, एन देखते हैं उधर, फोर एन और फोर एन ये दोनों कैंसिल, टू एन उधर चला जाएगा तो ये हो गया टू एन। तो एम अपान में एन जो रेशियो आएगा वो टू रेशियो नाइन आएगा, तो टू रेशियो नाइन का ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है बी। ये था क्वेश्चन नंबर एट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ, ठीक है, स्क्रीन पे आ गया होगा। नाइन क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा इफ ए बी एंड सी बी द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी इज द मीडियन देन कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो अगर हम ए बी सी ये ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, तो ये इसका डी मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, बी और सी, ये बी दिया और ये सी दिया, तो सिक्स प्लस वन बाई टू और फाइव प्लस फोर बाई टू, तो सेवन बाई टू एंड नाइन बाई टू, सेवन बाई टू और नाइन बाई टू ऑप्शन हमारे पास है सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चलते हैं। द थ्री वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो इसमें चारों कोऑर्डिनेट में से तीन तो दिया है, डी वाला हमें नहीं पता, तो इसको हम एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। होगा क्या, ए सी का जो मिड पॉइंट है और जो बी डी का मिड पॉइंट है पैरेललोग्राम होने के कारण सेम मिलेगा, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी के मिड पॉइंट के लिए ए और सी हमें पता है, तो माइनस टू प्लस एट, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, देखो माइनस टू प्लस एट, वाई वन प्लस वाई टू, थ्री प्लस थ्री बाई टू, तो ये हमें क्या मिला, सिक्स, इधर देखो सिक्स बाई टू थ्री और इधर भी थ्री, ये ए सी मिला। सेम ऐसे तुम बी डी के लिए अगर निकालोगे तो बी डी का मिड पॉइंट एक्स प्लस और बी का कितना है सिक्स, ऐसे वाई प्लस सेवन बाई टू, इसका कोऑर्डिनेट दिया ना सिक्स कॉमा सेवन बी का, ये हो गया तुम्हारा। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी थ्री के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट भी थ्री के इक्वल, तो एक्स प्लस सिक्स बाई टू इक्वल टू, जब थ्री करोगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ से मिलेगा जीरो, और सेम ऐसे वाई प्लस सेवन अपान में टू करोगे ये भी मिलेगा थ्री, तो यहाँ से वाई इक्वल टू वन, तो जीरो कॉमा वन, तो जीरो कॉमा वन है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर एक मिनट, हाँ माइनस वन आएगा, देखो इधर टू थ्री जा सिक्स, सिक्स में तो जीरो कॉमा माइनस वन होगा, ये ऑप्शन हमारे पास डी होगा, कर लोगे तो जीरो कॉमा माइनस वन ये इसका आंसर होगा, क्या जीरो कॉमा माइनस वन, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर इलेवन पे चलते हैं। इलेवन क्या है पहले वो देखो, द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, तो पूछ रहा है किस तरह का वर्टेक्स होगा, तो सबसे पहले हमें इसमें डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकालते हैं एक एक करके, पहले पी क्यू निकालते हैं, तो पी क्यू डिस्टेंस, तो जीरो प्लस फाइव का होल स्क्वायर और प्लस सिक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सिक्स माइनस थ्री का मतलब क्या थ्री, तो पच्चीस और प्लस नाइन, तो ये हो गया थर्टी, पच्चीस और पाँच तीस चार चौंतीस, तो थर्टी फोर आ गया रूट में पी क्यू। तो अब निकालते हैं क्यू आर, क्यू आर के लिए माइनस फाइव और माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर, तो ये क्या मिला एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर और टू का स्क्वायर फोर, तो ये क्या मिला रूट का सिक्सटी एट। रूट का सिक्सटी एट का क्या मतलब है, इसमें से तो कुछ बाहर आ नहीं सकता, इसमें से ये भी नहीं, इसको टू रूट सेवनटीन तो लिख सकते हैं हम, टू रूट सेवनटीन बस इसके आगे, लेकिन नहीं लिख सकते हम। अब इसके बाद आता है पी आर, अब पी आर जब निकालोगे तो पी है हमारे पास जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस सिक्स माइनस वन का स्क्वायर, तो ये रूट में क्या मिला नाइन और फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, यह भी क्या मिला रूट थर्टी फोर। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों
हमारे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या मिला, पी आर। और ऐसा सिर्फ किस में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यह भी सेम क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ, किस तरह का ट्रायंगल बनेगा हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें देखो पहले फिर वही काम काम करते हैं, ये पॉइंट P मान लो, ये पॉइंट Q मान लो, और ये R, यही था ही, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक है, पी क्यू आर। तो पहले पी क्यू डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। तो पी क्यू डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ए प्लस ए हो जाएगा का होल स्क्वायर, और सेम ऐसे ए प्लस ए का होल स्क्वायर, तो 4a 4a यानी हो जाएगा 8a स्क्वायर। तो a रूट 8 यानी 2 रूट 2 a भी लिख सकते हैं। ये PQ मिला, QR QR तो रूट 3a और प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी यही रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर, यही चीज दो बार मिल गई। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट ए इंटू ए। ये हमें एक्चुअल में क्या मिला, 3 और 1 4 दूनी 8 ए स्क्वायर और 2 रूट 3 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से तो ए तो बाहर आ गया, अंदर बचा 8 प्लस 2 रूट 3। ऐसे सेम तुम्हारा पी क्यू क्यू आर और क्या बचा, पी आर पी आर। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, रूट थ्री ए माइनस ए मिलेगा का होल स्क्वायर, और फिर रूट थ्री ए माइनस ए का होल स्क्वायर, सेम चीज मिलेगा, बस यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा ए 8 माइनस 2 रूट 3। तो ये तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, इसलिए क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल होगा। कर लोगे, ये काम करो, कहीं दोनों जोड़ करके अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 8 ए स्क्वायर और माइनस 2 रूट 3 2 ए बी 2 रूट 3 ए स्क्वायर। ये मिल जाएगा क्यू आर और पी आर, 8 ए स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 ए स्क्वायर। दोनों ऐड करते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, 8a स्क्वायर ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, जो इसके बराबर है। ठीक है, इसके लिए नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 देखना जरा, थ्री पॉइंट्स ए बी सी, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, ए बी सी तीन पॉइंट है, ये क्या बनाएंगे। तो क्या करते हैं, डिस्टेंस ही निकाल लो, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी, डिस्टेंस निकालना तो सबको आता होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ए बी तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर और प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 36 और 4 रूट हो गया 40, तो इसको 2 रूट 10 लिख सकते हैं। बी सी, बी सी में देखो तो 3 माइनस 4 तो 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में 10 मिल गया। एसी बचा, एसी की वैल्यू देखो 1 माइनस 3 3 का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 7 तो माइनस 9 का स्क्वायर, 81 और 9 क्या मिला, 90 मतलब 3 रूट 10। ध्यान से देखोगे तो इसको और इसको जोड़ करके इसके बराबर आ रहा है, ठीक है ना। यानी ए बी प्लस बी सी अगर हम कर दें तो ए सी के बराबर आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए बी और सी तीनों एक ही लाइन में हों, तो ये क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद आता है अब क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 किधर है, 14 में आ जाओ। हाँ, इफ द पॉइंट्स आर
कोलीनियर, कोलीनियर है तो हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या वाला मेथड पढ़ा जाएगा, 1 2 0 0, तीनों को बारी बारी से लिख दो, ऊपर वाले को फिर से रिपीट कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। तो 1 + 1 × 0 0 0 × b 0 a × 2 2 a, ये हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करो इधर वाले, तो b 0 और प्लस 0, इसको डिवाइडेड बाई 2 करो, ये एरिया निकला और ये क्या होना चाहिए, 0। तो अंदर ब्रैकेट में 2a माइनस b बचा, बाहर 1/2 इक्वल टू क्या, 0। 2a माइनस b इक्वल टू 0, यानी 2a इक्वल टू b, b इक्वल टू 2a या 2a इक्वल टू b, ऑप्शन होगा सी। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगर तुम्हें ये वाला तरीका नहीं पता तो दूसरे वाले तरीके से जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा के करते हो, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, इसमें भी हमसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो फिर वही काम कर लेते हैं जो इसके पहले हमने किया अभी, तो ए और बी प्लस सी, फिर दूसरा पॉइंट बी सी प्लस ए, तीसरा पॉइंट सी ए प्लस बी, पहला वाला फिर से रिपीट करते हैं तो ऊपर वाला फिर से रिपीट कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ एक एक करके। तो ए सी प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, अब तीसरा वाला सी इंटू बी, तो बी सी और प्लस सी स्क्वायर, इतना हो गया। इसमें से माइनस करेंगे अपोजिट, चलो ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर सी स्क्वायर प्लस ए सी, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना, एरिया आ जाएगा। तो माइनस करते ही हमारे पास कटेगा क्या, देखो जो इधर माइनस होते ही सबका साइन ए कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी, तो 1/2 इंटू क्या बचा, 0। तो क्या हुआ, 0, मतलब ये ट्रायंगल बनेंगे ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, 16 क्वेश्चन नंबर क्या है, द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। इधर देखो ए और बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो पॉइंट है, यह भी हो सकता 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 है, कोई भी पॉइंट, यह भी पॉइंट हो सकता है। तो ए दिया है 2.5 और इधर 2.5, ठीक है, ये ए बी के। तो एक काम करो, ये जो लाइन है इसी पे आएगा, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो पहले इसका मिड पॉइंट निकाल के देख लो, ये वाला पॉइंट निकाल करके पी, ये तो हो गया 0.0। पहले तो ये देख लो 0.0 है या नहीं है, तो बस यही हमारा इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट आएगा। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो सेप पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें चारों पॉइंट दिए होंगे। इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ, पूछ रहा है ये क्या बनेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, चारों साइड निकालते हैं और दोनों डायगोनल निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालना तुम जानते हो, मैं डायरेक्टली अभी तो लिख रहा हूँ ए बी, 9 में से 9 गया 0, 6, तो ये ए बी मिलेगा 6। इसके बाद बात आएगी बी सी की, तो बी सी, या एक काम करो ना, इसको हम ड्रा करके ही देख लेते हैं। ड्रा करते हैं पहले 9.0, तो एक्स एक्सिस पे इधर कहीं मिलेगा 9.0, ये पॉइंट ए हो गया, और 9.6 इधर कहीं मिलेगा, ये हो गया 9.6 और ये हो गया 9.0, एक लाइन तो यही मिल गया बी सी माइनस 9.6, एक्स पे माइनस नाइन इधर कहीं आएगा 9.6, यहाँ सी मिलेगा -9.6 और डी -9.0, ये मिलेगा -9.0। तो ये पॉइंट जब मिलाओगे तो ये क्या मिल रहा है, बिल्कुल रेक्टेंगल। तो ये हमारा रेक्टेंगल होगा, ऐसे टिक कर देना। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं, क्या दिया, ओ ए बी, ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल जिसके तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल,
पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। एक तो ओ है, एक काम करते हैं इसको भी बना लेते हैं। बनाओगे तो एक तो 0 0 है ही हमारे पास, ओ मिल गया। ए दिया है 0.3, ये हो गया 0.3। बी दिया है 5.0, ये हो गया 5.0। अब रेक्टेंगल बनाने का बस यही एक तरीका है। तो ये दूसरा वाला डी मिल जाएगा हमें, ओ ए बी सी मिल जाएगा, ये होगा 5.3। तुमको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 25 और 9 34, √34। √34 दोनों डायगनल हमारे आएंगे, ये भी और ये भी। कर लोगे? तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू। एक लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस को अलग अलग जगह पे कट करता है। तो वाई को कहाँ कट करता है? पी पे। मतलब ये लाइन कुछ ऐसे रहा होगा, ये पॉइंट पी रहा होगा, ये पॉइंट क्यू रहा होगा। ये वाई एक्सिस को पी पे कट कर रहा है। तो इफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का जो मिड पॉइंट है इसको आर मान लेते हैं। ये दिया है 2.-5, तो दोनों के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0.b बता देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 1.0 बता देते हैं। तो अब क्या होगा? मिड पॉइंट का फार्मूला, ए प्लस 0/2=0। तो ए इक्वल टू, नहीं ये 2 होगा ना, तो 2 2 जा 4, ए इक्वल टू 4 मिलेगा। अब बी, बी के लिए बी प्लस 0 मिड पॉइंट बाई 2=-5, तो -5 2 जा 10, -10 ये बी की वैल्यू मिलेगी। यानी जो पी पॉइंट मिलेगा 0.-10 मिलेगा, और क्यू पॉइंट जो मिलेगा वो 4.0। तो 0.-10 और 4.0, ये रहा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर हुआ 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ लौट के, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा। ये दिया है अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर थ्रू द पॉइंट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाई ऑन द इंटीरियर ऑफ द, एक सर्कल है जिसका ओरिजिन कहाँ है? सेंटर। ओरिजिन कहाँ है? 0 0 पे, ठीक है। ये पॉइंट ए है जहां से सर्कल जाता है, ये 13/2.0 है। इसका मतलब यही रेडियस की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 13/2। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट है जो अंदर नहीं होगा, तो जिसका ये जो डिस्टेंस है वो 13/2 6 से कम होगा। तो ये भी 6 से कम होगा, ये भी 6 से कम होगा। चाह कैसे समझोगे इसको? तो चाहो तो बना करके देख सकते हो, ठीक है ना। और कैसे देखो, थोड़ा सा अंदाजा अगर तुम लगाना चाहते हो, तो ये 0.75 है, माइनस में बहुत छोटा हुआ, तो ये अंदर ही रुक जाएगा। एक्स पे देखो -0.75 और वाई पे 1, इधर कहीं आएगा। फिर ऐसे ये 2.6 के आसपास आएगा, ठीक है। 2.5 से भी कम आएगा, 2.3, ठीक है। तो ये भी छोटा पड़ जाएगा, ये भी छोटा पड़ जाएगा। ये वाला देखो जरा, -6, एक्स पे -6, इधर कहीं आएगा -6, और वाई पे 5/2, तो 5/2 इधर कहीं यहाँ हो सकता है, या फिर इस पे। इसके लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। तो 0-6 का होल स्क्वायर और प्लस 0-5/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में निकालेंगे, ये डिस्टेंस होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर 6.25, तो ये हो जाएगा 42.25, जो कि स्क्वायर रूट कितना है? 6.5 है। तो ये इसी पे, इसके अंदर लाई नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन होगा इसका डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये बिल्कुल कहाँ पे आएगा? ऑन द सर्कल। तो ये सर्कल पे ही आएगा, सर्कल के अंदर नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया तुम्हारा। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 5 6 क्वेश्चन, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हो वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे, तुम अब तो लगभग कंप्लीट होने वाला है चीज। द रेशियो इन विच द पॉइंट पी डिवाइड द ए एंड बी। अभी इस तरह का क्वेश्चन की हो, तरीका बता देता हूं। ये बी हो गया 9.-12, रेशियो पूछ रहा है। ये पॉइंट पी मान लेना,
एम रेशियो एन या के रेशियो वन जैसे भी तुम करते हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो 1.14। और ये पॉइंट पी दिया 6.-6, एक्स या वाई को ये एक बराबर कर दो, एक्स इक्वल टू क्या दिया है 6, तो एम एक्स टू, तो 9m प्लस एन एक्स वन यानी एन अपान में एम प्लस एन इक्वल टू 6, तो 9m प्लस एन इक्वल टू 6m प्लस 6n, तो 9m 6m 3m और उधर चला गया 5n, तो एम अपान में एन 5/3, एम अपान में एन इक्वल टू 5/3, तो ये ऑप्शन हो गया डी क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एक बार और मिला लो अगर तुम्हें मिलाना है तो। ठीक है, क्या कह रहा था, पी पॉइंट दिया है, डिवाइड द ज्वाइनिंग ए एंड बी, बी दिया था -12 9, ए दिया था 1.4, एम एक्स टू, तो 9m प्लस एन एक्स वन अपन में एम प्लस एन इक्वल टू 6, तो 6m प्लस 6n हो गया, 9m प्लस एन हो गया, 9m में से 3m, एन उधर गया 5n, एम अपन में एन 5/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये भी क्वेश्चन कर चुके हो, रिपीटेड क्वेश्चन है सेम, बट डाटा अलग अलग है। तो एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस मतलब क्या हुआ, फिर वाई जीरो एम वाई टू, तो एम वाई टू कितना -7 नहीं -1, तो -1 मतलब -m प्लस एन वाई वन मतलब 6n अपान में एम प्लस एन, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0, तो एम इक्वल टू 6n, तो एम अपान में एन इक्वल टू 6:1, ये ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन देखो जरा, इधर सारे क्वेश्चन लगभग किए हो तुम, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, देखो इधर उधर कैसे कहाँ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ टू वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल आर, दो वर्टेक्स दिए हैं, सेंट्राइड दिया है, देन द थर्ड वर्टेक्स, सेंट्राइड का फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई 3, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई 3, ये सेंट्राइड का फार्मूला है जो सेंट्राइड हमें पता है। ठीक है, तो ये 6.3, ये ए कोऑर्डिनेट दिया है, बी कोऑर्डिनेट इसका -1.7 दिया है, सेंट्रॉइड दिया है 1.5, और ये सी कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, हम एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो 6-1 और प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे, ये भी इक्वल टू लिख देते हैं 1.5। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट का देखो, 3+7 प्लस वाई बाई 2, ये दोनों आपस में इक्वेट करो, तो 5 प्लस एक्स अपान में 3=1, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 2 मिला। ऐसे 7+3 10 प्लस y=10, तो y=7+3 10 प्लस वाई, ये 3 होगा ना, तो 3 5 15, तो 15-10, तो y=15-10 दैट इज 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2, तो -2.5 ऑप्शन होगा सी ये क्वेश्चन नंबर 23। सबसे अच्छा क्वेश्चन अब और सबसे छोटा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है 24। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट भी हैं तुम्हारे पास, इसका डिस्टेंस तुमसे पूछ रहा है। अब देखो इसको कैसे करोगे, हाँ तो हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 24 पे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये पॉइंट दिया इसके बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी, तो ए बी डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट में अंदर ए कॉस 45 -0 का होल स्क्वायर, और फिर 0-a cos 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये 65 है, तो यहां से क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 65 और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए बाहर आ गया,
अंडर रूट के अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर 65 और प्लस कॉस स्क्वायर 25 और 65, ये 90 होता तो ये साइन में बदल जाएगा, तो साइन स्क्वायर 65 और इधर कॉस स्क्वायर 65, तो ये बन जाएगा 1, तो ए और 1 तो ए मिलेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा ए यूनिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है ना, स्क्रीन थोड़ा सा रुको, कैसे दिक्कत हो रही है इसमें, क्वेश्चन नंबर स्लाइड नहीं हो रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद ये 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखो जरा इधर, बस दो ही क्वेश्चन और बचे हैं, 25 है। इफ पी इज अ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए देन फाइंड ए पी अपन बी पी, तो ये पी दिया है और ये बी दिया है, तो ए पी का डिस्टेंस निकाल लो, तो ए पी का डिस्टेंस हमारे पास क्या निकलेगा, 2-1 का स्क्वायर और 4-2 का स्क्वायर, तो 2-1 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या मिला, अंडर रूट में 5 मिला। इतनी चीज क्लियर हो गई। बी पी निकाल लेते हैं, तो बी पी के लिए क्या आएगा हमारे पास, 4-1 का होल स्क्वायर प्लस 8-2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 45 रूट में आने का मतलब 3 root 5। अब हमें क्या चाहिए था, ए पी अपान बी पी, तो ए पी अपान बी पी इक्वल टू रूट फाइव अपान में 3 root 5, तो root 5 कट गया, 1:3, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन और बच रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी देख लो, करा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इन द रेशियो ए बी इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2 बाई अ पॉइंट पी लाइज ऑन, अब ये देखना जरा, लाइज ऑन ए बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ए, ये पूरा 8 centimeter का है, तो ए पी पूछ रहा है, तो ए पी हमारे पास 3 और टोटल कितना 5 × 8, 8 × 3 = 24 अपान में 5, 48 अपान में 10, यानी 4.8 centimeter, ये होगा पहला पार्ट ए पी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर 7 तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद का चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो इसको कल करेंगे। थैंक यू।